चीन ने 3 तों 17 साल तक की उम्र के बच्चों लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल नूं मंजूरी दे दी है। चीन 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन नूं मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। हुण तक 18 साल अते उस तों बाद उम्र के लोगों नूं ही इत्थे वैक्सीन लगाई जा रही थी। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट विच सिनोवैक बायोटेक के चेयरमैन ने शुक्रवार नूं इस फैसले की जानकारी दी है। हालांकि सरकार ने हले इस बारे कोई जानकारी नहीं दी कि बच्चों का टीकाकरण कदों तो शुरू हो सकेगा। पहले ते दूसरे फेज के क्लीनिकल ट्रायल के शुरुआती रिजल्ट विच वैक्सीन नूं सेफ अते सुरक्षित पाया गया है अते इसके उल्ट प्रभाव हुण तक माइल्ड ही रहे ने। भारत में कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार डिगदा जा रहा है, पर कोविड नाल मौत दे आंकड़ों में उतार चढ़ा जारी है। सेहत मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे दौरान 1,14,000 तो ज़्यादा नवे कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, तो इस नाल ही 2,670 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि इस दरमियान 1,99,000 तो ज़्यादा लोग कोरोना तो ठीक भी हुए हैं। देश में लगातार 24वें दिन कोरोना वायरस के नवे मामलों में ज़्यादा रिकवरी हुई है। हुण तक देश में 2,88,09,000 तो ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिन्हों 2,69,84,000 तो ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 14,70,000 तो ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, 3,46,000 तो ज़्यादा मरीज अपनी हुण तक जान गवा चुके हैं। ABP, जोश, जज्बा, जुनून।